कली ने साधु ने शैतान बनावे बहाना भले दे बहाना भले दे आवे कोई पण छेटाए राक्षस थी रहे जो वेश श्रमण नो सफल करो श्री संघ कहे। शरीर के राग का त्याग। हमको तो गरम गरम रोटी सब्जी चाहिए, ठंडा नहीं चलेगा। हमको तो ठंडा ठंडा पानी चाहिए, मटके का भी नहीं चलेगा। हम तो वाहन में ही जाते हैं, चलकर जाना हमको पसंद नहीं। ठंडे की ऋतु में रजाई गादी चाहिए, हीटर चाहिए। गर्मी की ऋतु में एसी चाहिए, पंखा भी नहीं चलेगा। शरीर का राग संसारियों के पास यह चिंता करवाता है और बुलवाता है। मुमुक्षु, पक्का समझ कर ही दीक्षा लेना। संयम में यह शरीर राग बिल्कुल अच्छा नहीं। ऐसा सोचना भी मत कि मुझे एक गरम गोचरी चाहिए, अमुक ही सब्जी, अमुक ही दाल चाहिए, अमुक समय पर ही चाहिए। गोचरी गरम मिले या ठंडी, कोई भी सब्जी, कोई भी दाल, कोई भी समय पर मिले, सब चलाना ही है तुझे। मन में भी संताप फरियाद नहीं आनी चाहिए। विहार सुबह हो या शाम, जल्दी हो या देरी से हो, लंबा हो या छोटा हो, उपधि कम हो या ज्यादा हो, मन में भी फरियाद करने का अधिकार खत्म हो चुका है तेरा। कितनी भी ठंड क्यों ना हो, तुझे एक कंबल दो कपड़े दिए गए हैं, उससे तुझे निभाना है। सहन करने के दिन वैसे भी बहुत कम ही होते हैं, उसमें फिर ब्लैंकेट आदि की मन से भी इच्छा मत करना। गर्मी कितनी भी हो, तुझे ज्यादा से ज्यादा कुदरत की हवा के ऊपर जीना है। पसीने का ढेर हो तो भी मुंह से बोलना भी नहीं है कि आज बहुत गर्मी है, अरे मन में सोचना भी नहीं। कब हवा आएगी ऐसा अर्थ ध्यान भी मत करना। हवा चालू हो तो हाश ऐसा एहसास भी नहीं होना चाहिए। दिन के समय में कभी कभी मक्खियां परेशान करने आएगी। गोचरी में, स्वाध्याय में, दोपहर के थोड़े से आराम में हैरान करेगी। उस वक्त गुस्सा नहीं आना चाहिए तुझे, जोर से नहीं उड़ाना है तुझे, प्रसन्नता कम नहीं होनी चाहिए तेरी। रात को मच्छर आएंगे, लहू चूसेंगे तेरा। बिना पैसे ब्लड टेस्ट करने वाले वह उपकारियों पर अरुचि मत लाना, जोर से मत उड़ाना। जरूरत पड़े तो धीरे से उनको दूर करना। नींद आने के बाद मच्छरों की सेना का आक्रमण हो तो जो अरुचि पैदा होती है वो भी शरीर का राग है, मत होने देना यह। अरे मुमुक्षु, हमने जो बात कही वो तो बहुत सामान्य बात है। हम तो चाहते हैं कि रात के 2-2.5 बजे भयानक ठंड में 10-20-30 मिनट कंबल के बिना कौसक कर तू, स्वाध्याय कर तू। भयानक गर्मी में टेरेस पर दोपहर के 2 बजे तपी हुई टाइल्स के ऊपर कम से कम 5-1 मिनट भी खड़ी होकर शरीर के राग को तोड़ दे तू। मक्खियां शरीर पर बैठती रहे और तू कम से कम 5-10 मिनट बिल्कुल हलन चलन किए बिना थंबे की तरह स्थिर रह तू। मच्छरों की सेना लहू चूसे और तू कम से कम 5-10 मिनट स्वामी वात्सल्य का लाभ लेती रहे तू। करेगी ऐसी साधना, हो पाएगी ऐसी साधना, प्रयत्न जरूर करना। नारक के दुखों को, तिर्यंच के दुखों को दूर करने वाले यह मानवीय दुखों को हंसते हंसते ही सहन करना, वरना जानते हैं हम घर में तो तू कोमल कमल की तरह पली है, लेकिन भूल जाना उस कोमलता को। समझ लेना कि वो कमल अब बन गया है पत्थर। देख शास्त्र वचन, देह दुखम महाफलम। शरीर को सामान्य प्रकार से दुख देने से उत्कृष्ट फल मिलता है। तू कोमल कमल नहीं, तू कठोर पत्थर है। राग शरीर नो
संयम मानहि तैनि शोभा गोचरि विहारने। गोचरि विहारने खंडि गर्मी माखि माचर तारी विभूषा पाथर समगढ़ जो विष श्रमण नो आप्योतमनी सफल करो श्री संघ कहे। सर्व संगत त्याग, रोते हुए माता पिता भाई बहन को हंसते हंसते छोड़ा है तूने। राष्ट्र के लिए लड़ने जाने वाली सैनिक की तरह तेरा तेज चमकता है। किसी की सहाय लेना सोचा भी नहीं तूने। सारथी बनके तेरा संयम व्रत चलाएंगे देवगुरु। लेकिन दुश्मनों के साथ लड़ाई तो तू अकेले ही करेगी। देवगुरु मार्गदर्शक है, तू योद्धा है, शूरवीर है। आज संकल्प कर लिया है तूने, लड़ना है, अकेले ही लड़ना है। आत्मा के दुश्मनों को खत्म करना है। क्रोध, अहंकार, कपट, आसक्ति, ईर्ष्या, निंदा, स्वार्थ, आलस, विकार, ऐसे ऐसे हजारों दुश्मनों के साथ अकेली लड़ेगी तू। गुरु तुझे देंगे एक महान शस्त्र, रजोहरण, एक तलवार। आशीर्वाद है हम सबके। युद्ध में तो कोई सैनिक मर जाए तो शहीद के रूप में उसका सम्मान किया जाता है, लेकिन इस आत्मयुद्ध में मौत यानी बड़ा लंबा संसार, इसीलिए हम तुझे शहीद देखना ही नहीं चाहते। शिवास्ते संतु पंथान, विजयी भव। राह देखेंगे हम, मुक्ति कन्या तेरे गले में वरमाला की स्थापना करे वो दिन का। जा मुमुक्षु जा, हमारे आंसुओं को देखना ही मत, कठोर पत्थर बन जाना। अलविदा अलविदा अलविदा। माता पिता ने जनों सघड़ा से त्यागी एक ले हाथे, एक ले हाथे मांडी लड़ाई। ओ खाने तलवार बनावी शहीद पढ़ करो श्री संग कहे। मुमुक्षु बहना, हम ठहरे संसारी, पापी, अपराधी, अज्ञानी। क्या हैसियत है हमारी कि तुझे कुछ भी सलाह दे, हित शिक्षा दे। तेरे सद्गुरु ने तुझे सब कुछ सिखाया है। हमारे घर की नटखट तूफानी चंचल बेटी सद्गुरु के संपर्क से आज समझदार बन चुकी है, गंभीर और शांत बन चुकी है। तुझे देखकर शर्म आती है हमको हमारे ऊपर। जो तूने छोटी उम्र में पाया हम वह पूरी जिंदगी में भी नहीं पा सके। धन्यवाद रे तेरे सद्गुरु भगवंत को, वंदन है तेरे निर्मल वैराग्य को। ऐसे तो हम भी श्रावक श्राविका कहे जाते हैं, जैन कहे जाते हैं, लेकिन हमको मालूम है सिर्फ नाम के जैन बन बैठे हैं हम तो। तू है सच्ची मुसाफिर मोक्ष मार्ग की, क्योंकि रत्नत्रयी रूप रास्ते पर तो तू ही चल रही है, हम कहाँ। एक पवित्र परिवार में सदस्य बनने वाली है तू। हमको सिर्फ खुशी ही नहीं गौरव महसूस होता है।
तेरी गुरु बहनों ने तुझे सब कुछ सिखाया ही है। तू संयम की तमाम बातों में माहिर ही है। कुछ भी तुझे कहने की जरूरत नहीं, और उसमें भी हमारे जैसे तो क्या कहेंगे तुझे। फिर भी तेरे प्रति सच्चा प्रेम है, तेरी चिंता भी है, इसीलिए इतना कह दिया है। हमारी हित शिक्षा से तुझे दुख हुआ है या हमने कुछ गलत कह दिया हो तो क्षमा कर देना मोक्षु बहना। एक लास्ट हित शिक्षा, शासन प्रति त्रिलोक गुरु परमात्मा महावीर को उनकी साधना को कभी भी भूलना मत। कभी भी तेरे जीवन में आचार विचार उच्चार में थोड़ा सा भी बदलाव आए, पतन आए, तो प्रभु को उनकी साधना को याद कर लेना, अवश्य तुझे सही रास्ता मिल जाएगा। तू अपने आप को अपने आप से ही बचा पाएगी। तेरी आत्मा ही तेरी आत्मा की रक्षा करेगी। प्रभु की साधना का विस्मरण नहीं होने देना। समझू छोटा मैं, समझू छोटा मैं, वैरागी छो, मुक्ति मंजिल ना साचा मुसाफिर, कहबू पड़े नहीं। संयम बाबत माछो माहिर अंतिम शिख छे, अंतिम शिख छे, तो पण संघनी महावीर ने कदीना विसरशो। विष शमण नो आप्योतमनी सफल करो श्री संघ कहे, सफल करो श्री संघ कहे, सफल करो श्री संघ कहे।